चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी के एसपी आए इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर से मतदाता वोट करने पहुंच रहे हैं। दिव्यांग मतदाता न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। और आपको बताएं कि तीसरे चरण में झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उन मतदाताओं को जो आज के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं लेकिन अभी तक मतदान करने बाहर नहीं निकले हैं। मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, उसमें अपना योगदान दें, उसमें अपनी आहुति दें। तस्वीरें देखिए व्हील चेयर पर कैसे मतदान करने के लिए पहुंचे वोटर। आज भरा जा रही है। और ये देखिए एक दूल्हा जिसका विवाह होना है वो कैसे वोट डालने पहुंचा है और दूल्हे की पोशाक में, जैसे ये आप तस्वीरें देख रहे थे, एक दूल्हा वोट डालने पहुंचा है दूल्हे की पोशाक। औरैया विधानसभा के बाबरपुर कस्बे में दूल्हा दुल्हन ने वोट की अहमियत समझाई। रात में शादी की, सुबह विदाई के बाद दूल्हा धर्मेंद्र अपनी नई नवेली दुल्हन अनुप्रिया के साथ लेकर नवीन नगर बूथ पर अपना मतदान करने पहुंचे। तस्वीरें देख लीजिए आप, पिछली रात विवाह हुआ इनका, इस जोड़े का, और उसके बाद विदाई के पश्चात ये दोनों मतदान करने पहुंचे। बाबतपुर कस्बे के नवीन नगर बूथ का ये दृश्य, ये बिल्कुल नए दंपति। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कन्नौज से। कन्नौज के हसेरन क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार किया गया है, ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। एक बड़ी जानकारी, ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ग्रामीणों को समझाने में अब प्रशासन जुटा हुआ है और अब तक सिर्फ मात्र 5 वोट डले हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है। ग्रामीण अपने अधिकार का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हसेरन क्षेत्र के पूर्वा जादे शाह न्याय का ये मामला है। लोगों का कहना है जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। सूत्रों के अनुसार जानकारी ये है कि क्षेत्र में अभी तक मात्र 5 वोट ही डले हैं, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि मनाया जाए, लोगों को समझाया जाए। एक और बड़ी जानकारी, कासगंज में पटियाली में वोटरों ने आरोप लगाया है। पटियाली में वोटरों ने कहा है कि प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कि सपा को वोट डालने का दबाव बनाया जा रहा है। बड़ी जानकारी, ग्रामीणों का कहना है जबरन उनसे समाजवादी पार्टी को वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जब आप वोट डालने गई तो पिताजी ने क्या कह रहे थे? फिर फिर क्या हुआ? फिर बिना के नहीं जा पा डाल रहा मैंने, मेरा मन होता डाल रहे तेरे कहे पर नहीं जा रहे। फिर आपने अपना आप स्वयं वोट डाला है, पीटीसी नहीं डलवा दिया? मैंने अपने आप फिर डालो। क्या हुआ, क्या समस्या है इस बूथ? जब मैं वोट डालने गया तो मुझे इशारा दे रहे थे इस पर साइकिल पर वोट डालिए आप। ये कौन सा बूथ है? ये डिलवरी है। अच्छा, फिर आपने वोट अपने मतदान अपने हिसाब से किया है, जबरदस्ती उन्होंने बटन दबा लिया? तो आपने देखा वोटर्स ने कैसे आरोप लगाया पीठासीन अधिकारी पर कि एक राजनीतिक दल को मतदान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर।